जी मर गया, कैसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था। अब मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं, अवध ज्ञानी तो हूं नहीं मैं, अब मैं कैसे बताऊं। नहीं महाराज बताओ, मेरा व्यक्ति मर गया तो मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं जो कभी गलत सिद्ध नहीं होते। मैंने कहा कि कौन से स्वर्ग में गया ये भी बताओ। बोले महाराज बताते तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा तुम जब मर गया व्यक्ति, जाके पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से जाके कहना कि भाई वो व्यक्ति मर गया, फिर उसका चेहरा देखना, यदि वो कहे अच्छा हुआ निपट गया, दिन रात परेशान करता था अच्छा हुआ, समझ लेना दुर्गति हुई है। और पड़ोसी कह दे क्या बात करते हो, वो व्यक्ति मर गया, ओहो सब कुछ लूट गया, उसी के भरोसे पे तो पड़ोस में रहता था, यही तो एक विश्वास था कि मेरे पड़ोस में एक आदमी नहीं देवता रहता है, और उसकी आंख में आंसू टपक जाए तो समझ लेना वो दुर्गति नहीं गया है, छोटा देव बना है, छोटा देव बना। थोड़ा और बड़ा देव बनाऊं तो थोड़ा मोहल्ले में खबर पहुंच देना, और मोहल्ले वालों से पूछ लेना कि फलाना व्यक्ति मरा है, उनके चेहरे देखना, वो खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। यदि मोहल्ला दुखी हो रहा है तो समझ लेना कि थोड़ा बड़ा देव बना है, वैमानिक बना दो, उसके मरने पर सारे नगर के क्या हाल है, सारे नगर के क्या हाल हैं। जिंदगी देख करके नहीं निर्णय किया जाता कि अच्छा था कि बुरा, अर्थी को देख कर चलने वालों की संख्या देख करके निर्णय किया जाता है कौन मरा है, कौन मरा है। मैं आप लोगों के मुख से सुनता हूं, महाराज मरघटे में अपार भीड़ थी, महाराज बैठक में इतनी भीड़ थी कि हाल मंदिर कम पड़ गया, और हर आंख में आंसू था। तुम्हारे मरने पर जितने आंसू बहेंगे